हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिना मत्सुरी। ये जापान का फेस्टिवल है और इसमें विशेष रूप से गुड़िया सब का फेस्टिवल है। ये गुड़िया सब का फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें तरह तरह के गुड़िया को आपको देखने का मौका मिलेगा और गुड़िया का को प्रसाद भी अर्पित किया जाता है और प्रसाद चढ़ाने के बाद लोगों को दिया जाता है। ये तो आइए इसके बारे में जानें। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की के माध्यम से इसको बताया गया है इस त्यौहार को। तो 7-year-old सायो इन ओसाका जापान लुक्स फॉरवर्ड टू द थर्ड डे ऑफ मार्च व्हेन हिना मत्सुरी टेक्स प्लेस ए डे डेडिकेटेड इंटायरली टू गर्ल्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दिन है वो गर्ल को डेडिकेटेड है समग्र रूप से। तो एक 7 वर्षीय लड़की है सायो, जो ओसाका में रहती है। और ओसाका कहाँ है? तो जापान में है। और लुक्स फॉरवर्ड टू द थर्ड डे ऑफ मार्च, मार्च के तीसरे दिन में जब हिना मत्सुरी का फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि लड़कियों के प्रति समर्पित फेस्टिवल है। तो इसमें क्या सब होता है? तो इसमें जो जापानी गर्ल है वो एक स्पेशल तरह का कपड़ा भी पहनती है। ये कपड़ा इसको लड़की को एक उसके ग्रैंड पेरेंट देते हैं और इसको कहा जाता है किमोनो। इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं जो कि पहनने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसके बारे में वो लड़की कहती है कि माय ग्रैंड पेरेंट्स गेव मी दिस किमोनो, इट हैज़ सो मेनी लेयर्स व्हिच मेक्स इट क्वाइट अनकंफर्टेबल टू वियर। अब इतना सारा जो इसमें लेयर होगा तो पहनने में वो तो सुविधाजनक नहीं ना होगा, यही इसमें बतलाने की कोशिश की गई है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या सब होता है। द नियरली एवरी जैपनीज गर्ल ओन्स ए स्पेशल सेट ऑफ ब्यूटीफुल डॉल्स व्हिच हैज़ आइदर बीन ब्राउट स्पेशली फॉर हर और हैज़ बीन इन हर फैमिली फॉर मेनी ईयर्स। तो उसको लड़कियों को एक स्पेशल डॉल का सेट दिया जाता है जो उसका या तो अपना होता है या मतलब उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो उसको देते हैं, या बहुत दिनों से जो संजया हुआ गुड़िया होता है, डॉल होता है, उसके फैमिली में वो उसको दिया जाता है। दी डॉल रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल जैपनीज वैल्यू, और ये जो डॉल होता है वो जापान का जो पारंपरिक वैल्यू है उसको अभिव्यक्त करता है। और इसके माध्यम से जो जैपनीज वैल्यू हैं वो प्रतिध्वनित होती हैं, पारंपरिक जैपनीज वैल्यूज सच एज कामनेस एंड डिग्निटी एंड आर इंटेंडेड टू सेट एन एग्जाम्पल दैट गर्ल्स कैन फॉलो। और ये जो जापानी वैल्यूज हैं ये क्या हैं? तो ये हैं कामनेस और डिग्निटी का, जो कि इस डॉल के माध्यम से वो बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है और इसके माध्यम से उन्हें शिक्षा भी दी जाती है अपने पारंपरिक मूल्यों के बारे में। आगे हम देखते हैं कि द जैपनीज बिलीव दैट ए पर्सन्स इलनेस और बैड लक कैन बी ट्रांसफर टू ए डॉल। अब जापानियों का ऐसा विश्वास है कि आदमी की जो बीमारी है या उसके जो दुर्भाग्य हैं उसको डॉल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको भेजा जा सकता है। जो आदमी की जो बुरी बलाई है या उसकी बीमारी है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डॉल को। तो जो दुर्भाग्य है, अगर हम डॉल सब का ये फेस्टिवल मनाते हैं तो अपने बीमारी से वंचित होते हैं और दुर्भाग्य से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा इनका विश्वास है। दे देयर फॉर होल्ड ए प्यूरिफिकेशन सेरेमनी ईच ईयर ड्यूरिंग हिना मत्सुरी एट द ओसीमा
श्राइन नियर ओसाका, तो ओसाका के नज़दीक एक मठ टाइप का है और सीमा श्राइन, वहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन सेरेमनी का तात्पर्य है शुद्धिकरण का समारोह। अब इसके बाद के इसमें कई चरण होते हैं, तो सबसे पहले इसमें एक प्रार्थना को पूरा किया जाता है। आफ्टर द प्रेयर आर कंप्लीटेड द बोट्स आर सेट अफ्लोट इन वाटर, और प्रार्थना पूरा होने के बाद नाव को पानी पर छोड़ दिया जाता है तैरने के लिए। सम पीपुल बिलीव दैट द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स एंड कैरी द ओनर्स इल फ्यूचर विद देम। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये जो डॉल हैं वो ईश्वर के देश में जाते हैं और ओनर का जो बुरा भाग्य है अपने साथ वो ले जाते हैं। ह्यूज क्राउड्स गेदर आउटसाइड द श्राइन टू व्हिच द सेरेमनी व्हिच इज कॉल्ड नागासी बीना कास्टिंग द डॉल आउट टू सी। अब ये जो नाव को छोड़ दिया जाता है पानी में, तो इसको हम बोलते हैं नागासी बीना। तो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ह्यूज क्राउड्स गेदर आउटसाइड द श्राइन, तो ये जो हमारा असीमा श्राइन जो हम बोलते हैं, तो ये एक मठ टाइप की एक जगह है जहाँ पर प्यूरिफिकेशन समारोह आयोजित किया जाता है। वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ह्यूज क्राउड गेदर आउटसाइड द श्राइन, तो श्राइन के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। और क्यों इकट्ठा होती है? तो सेरेमनी को देखने के लिए। और जो सेरेमनी होता है वहाँ भीड़ जो इकट्ठा होती है, तो इस सेरेमनी को हम कहते हैं नागासी बीना। और ये जो कास्टिंग द डॉल आउट टू सी, इस तो इसमें इसके बाद हम देखते हैं डॉल्स आर प्लेस्ड इन बोट्स। तो हमने देखा कि इसमें जो ये समारोह का जो चरण होता है, इसमें होता है कि गुड़िया सबको नाव में छोड़ा जाता है। एंड आफ्टर प्रेयर्स हैव बीन सेड द बोट्स आर लेड इन ए प्रोसेशन फ्रॉम द श्राइन टू द नियर बाई सी। और इसके बाद इसको नज़दीकी समुद्र में ले जाया जाता है। सिंटोइस्ट ड्रेस्ड इन रिलीजियस जैपनीज रोब्स चांट प्रेयर्स एज दे फॉलो द पाथ डाउन द सी। तो बहुत ही जापान का ये पारंपरिक त्यौहार है जिसमें कि जैपनीज लोग अपने धार्मिक जो वस्त्र होते हैं उसमें अपने आप को सुसज्जित करते हैं और जैपनीज रिलीजियस जैपनीज रोब्स मंत्र का उच्चारण करते हैं। रिलीजियस जैपनीज रोब्स चांट प्रेयर्स एज दे फॉलो द पाथ डाउन टू सी। इसके बाद के चरण में हम देख सकते हैं कि सायोस डॉल डिस्प्ले को हम देख सकते हैं। 10 days बिफोर द फेस्टिवल सायो एंड हर मदर क्लीन द बेस्ट रूम ऑफ द हाउस एंड इरेक्ट ए 7-tiered प्लेटफॉर्म ऑन द हाइएस्ट स्टीप। सायोस मदर प्लेसेस द एम्परर एंड इम्प्रेसेस डॉल, तो डॉल को इम्प्रेस किया जाता है। बीनीथ देम आर द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस स्टाफ एंड ऑन द बॉटम स्टेप इज द प्लेस फॉर्चून। तो यहाँ पर ये जगह भी रहता है कि तो ये जो बॉटम स्टेप होता है वो भाग्य का जगह होता है। और पॉलिश्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ द हिना मत्सुरी इज पिंक राइस केक्स। अब कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें भोजन सबका भी खास भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, खास व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इसमें जो व्यंजन बनाया जाता है वो गुलाबी रंग का चावल का केक होता है जिसको मोची कहा जाता है। वन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड्स फॉर हिना मत्सुरी ये पिंक राइस केक्स कॉल्ड मोची व्हिच आर रैप्ड इन चेरी ब्लॉसम लीव्स। दीज सीजनल ट्रीट्स आर कॉल्ड सकुरा मोची केक्स एंड स्नैक्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड एंड ऑफर्ड फर्स्ट टू द डॉल एंड देन टू द विजिटर्स। तो सबसे पहले ये जो केक होता है
और स्नेक होता है उसको तैयार किया जाता है, और सबसे पहले ऑफर किया जाता है डॉल्स को, और उसके बाद विजिटर को इसके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ जो सायोल एक लड़की है जो ओसाका में रहती है और 7 वर्षीय है, उसके माध्यम से हिना मट्सुरी का जो फेस्टिवल है कैसे मनाया जाता है उसके बारे में बतलाया गया है यहाँ पर। तो सायोस फेवरेट डॉल इज़ द ब्यूटीफुल इम्प्रेस, द इम्प्रेस इज ड्रेस्ड इन सेरिमोनियल कोर्ट रोब, शी इज मेड अप ऑफ 20 लेयर्स ऑफ सिल्क। तो उसका जो परिधान है वो 12 लेयर सिल्क के 12 लेयर से बना हुआ होता है, और सायो का ये फेवरेट जो डॉल है इम्प्रेस उसको ये पहनाया जाता है। अब इसमें अलग अलग सामान सब का यूज होता है, जैसे ट्रेडिशनल टेबल विथ बॉल्स का प्रयोग होता है, फिर चेरी ब्लॉसम ट्री का उपयोग होता है। तो चेरी ब्लॉसम जो ट्री होता है वो कौन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो फेस्टिवल के सीजन को रिप्रेजेंट करता है। द चेरी ब्लॉसम ट्री रिप्रेजेंट्स द सीजन ऑफ द फेस्टिवल। और उसके बाद हम इसमें चित्र में के माध्यम से हम देख सकते हैं कि रेड कॉटन क्लॉथ को टेबल क्लॉथ की जैसा इसमें बिछाया जाता है। तो ये जो रेड कॉटन क्लॉथ होता है ये कौन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रेड कॉटन क्लॉथ कवर्स द स्टेप्स ऑफ द एलेबोरेट डिस्प्ले। तो इस तरह से ये बहुत ही अनोखा त्यौहार है, और इस त्यौहार को हम कह सकते हैं कि सेरिमनी ऑफ डॉल्स है, जिसमें तरह तरह के डॉल का की खरीदारी भी होती है, और ट्रेडिशनल रूप से इनको रखा भी जाता है, सुसज्जित रूप से रखा जाता है, उनको पिंक राइस केक्स का भोग भी लगाया जाता है, और उसके बाद विजिटर्स को ये उपलब्ध कराया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें कि चित्र में कि कैसे नाव में विभिन्न तरह के गुड्डों गुड़ियों को छोड़ दिया गया है। तो यह बहुत ही अनोखा प्रभाव त्यौहार है जिसको जापानी लोग इंजॉय करते हैं, और इसकी बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यू है।